हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में आज पिनक पानी मोहंती वर्सेस सहारा वाले केस की सुनवाई अब से थोड़ी देर में होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 4 के डबल बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया के बेंच में पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई होने जा रही है, जिसका सीरियल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 62 नंबर दिया गया है। हालांकि सीरियल नंबर काफ़ी पीछे है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। इस केस के साथ कुछ आईए भी लगे हुए हैं, टैग किए हुए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन आईए में क्या क्या मांग की गई है, क्या डिमांड की गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन आईए की भी सुनवाई करेगा। दोस्तों, आज उम्मीद की जा रही है कि अमिकस क्वेरी, जिन्हें कि हिंदी में न्याय मित्र कहा जाता है, गौरव अग्रवाल, सहारा रिफंड पोर्टल, जिस पोर्टल के माध्यम से निवेशकों का भुगतान किया जा रहा है, उस पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट्स दाखिल करेंगे। कारण यह है कि पिछले 10-15 दिनों से पोर्टल के द्वारा निवेशकों को उनकी दूसरी किस्त का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही साथ अब 10,000 रुपये से ज़्यादा 50,000 रुपये तक का भुगतान पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं CRCS के द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है पिछले हफ्ता 10 दिन से, उससे यह साफ दिख रहा है कि CRCS सुप्रीम कोर्ट में अपनी बाहबही कराना चाहता है। CRCS अपने स्टेटस रिपोर्ट में साफ कहेगा कि देखिए, हमने पोर्टल के माध्यम से अब 50,000 रुपये तक का भुगतान करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जो आंकड़े वो देगा कि अभी तक हमने कितने लोगों का भुगतान किया, ऐसे में कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं कि लगभग अभी तक 5 लाख लोगों का भुगतान हुआ है। हालांकि यह अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन आज इन आंकड़ों पर कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आएगी कि पोर्टल के माध्यम से सही में क्या चल रहा है। गौरव अग्रवाल को काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट में दी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वो अपने जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से पूर्ण करेंगे और निवेशकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या फिर निवेशकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। आज देखना दिलचस्प होगा कि सहारा क्या पक्ष रखता है, साथ ही साथ CRCS सहकारिता विभाग क्या बातें रखता है। पिछली बार तो केंद्र सरकार, जो कि सहकारिता विभाग का मंत्रालय है, केंद्र सरकार ने मांग की थी कि पोर्टल की अवधि को बढ़ाया जाए, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मानकर पोर्टल की अवधि को 31 दिसंबर 2024 कर दिया था। ऐसे में आज यह देखना होगा कि क्या सहकारिता विभाग कोई और डिमांड रख रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, या फिर अपनी जो उपलब्धि है उसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगा। और उपलब्धि क्या है कि 99% लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। इस बात को कहीं ना कहीं CRCS छुपाने की कोशिश करेगा और वो सुप्रीम कोर्ट में बताने की कोशिश करेगा कि किस प्रकार से अब हम लोग निवेशकों को दूसरी किस्त का भुगतान करने लगे हैं, जिसकी सीमा जो है 50,000 रुपये तक कर दी गई है। तो उम्मीद है कि आज सुनवाई होगी। हालांकि जैसा कि आप लोग लिस्ट में देख रहे हैं कि आज टोटल बेंच नंबर 4 में टोटल 63 मामले लिस्टेड हैं, जिसमें कि सहारा और पिनक पानी मोहंती का जो मामला है वो 62वें नंबर पर है। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, सुनवाई होती है या नहीं होती है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आज सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आदेश जारी करेगा। तो एक बड़ी सुनवाई है और इस सुनवाई से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने कहा था कि अगले 10 दिनों में हम 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान निवेशकों को करने जा रहे हैं। तो क्या CRCS सहकारिता विभाग इससे संबंधित कोई स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा,
क्या सहकारिता विभाग और कोई दूसरे आंकड़े प्रस्तुत करेगा, काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है आज का यह सुनवाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुनवाई पूरी होगी और अगली तारीख जल्द ही जल्द मिलेगी। हालांकि पोर्टल की अवधि चूँकि दिसंबर तक कर दी गई है, तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा आदेश तो नहीं मिल सकता है, सहारा निवेशकों को बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं मिल सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं इंतज़ार करना है, बस कुछ और घंटे बचे हैं, ऐसे में सुनवाई पूरी होगी। और यदि ऑनलाइन अवेलेबल हुआ स्टेटस, तो मैं शीघ्र शाम तक कोशिश करूंगा कि आज की सुनवाई से संबंधित वीडियो बनाकर आप लोगों को आज की सुनवाई की सूचना दे पाऊं। धन्यवाद दोस्तों।